इसका टॉप स्पीड आएगा सर 85 to 90 किलोमीटर आ जाएगा। ये जो हमारा हैवी मॉडल है, इन दिस मॉडल हमें कैसे डेल्टा V6 मॉडल में 72 वोल्ट 45 AH का जो बैटरी हम इंस्टॉल किया हुआ है, फिर 3 किलोवाट मोटर यूज़ किया हुआ है, फ्रंट एंड रियर डिस्क ब्रेक दिया हुआ है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका अपना सागर सिंह गुलवान आज आप लोगों को फिर से लेकर आ चुका हूँ ईवी इंडिया 2023 के अंदर। इस ईवी इंडिया 2023 के अंदर आप लोगों को डिफरेंट ई बाइक्स और ई स्कूटीज देखने को मिलने वाली है, क्योंकि ये एक ऐसा एग्जीबिशन है जहाँ पर आप लोग अपने लिए स्कूटी और ई बाइक्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मस्ट विजिटेड प्लेस है और आप लोग ऐसी ऐसी बाइक्स यहाँ पर देख पाएंगे जो कि आप लोगों ने शायद कभी नहीं देखी होंगी। सामने आप लोग देख सकते हैं JHEV की काफ़ी सारी बाइक आज ही लॉन्च हुई है और आज हम लोग आप लोगों को यहाँ पर लेकर आ चुके हैं। अलग अलग डिफरेंट प्राइस में आप लोगों को ऐसे सेगमेंट में बाइक्स मिलने वाली है जो कि आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। देख सकते हैं बाइक की लुकिंग से ही आप लोगों को पता चल रहा होगा कि इस बाइक के अंदर क्या कुछ खास होने वाला है। सारी डिटेल हम लोग कवर करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। ये जो मैं JHEV मोटर से पुणे से हूँ, फिर ये जो हमारा 3 मॉडल्स बाइक मॉडल्स ईवी मॉडल्स लेके आया है सर एग्जीबिशन में। ये जो मॉडल्स में हमारा डेल्टा V6 है, ये जो हमारा हैवी मॉडल है, इन दिस मॉडल हमें कैसे डेल्टा V6 मॉडल में 72 वोल्ट 45 AH का जो बैटरी हम इंस्टॉल किया हुआ है, फिर 3 किलोवाट मोटर यूज़ किया हुआ है, फ्रंट एंड रियर डिस्क ब्रेक दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट हम जो सेफ्टी फीचर्स के लिए जो इग्निशन सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम दिया हुआ है, एंड इसके लिए जो मेन फर्स्ट सेकंड थर्ड मोड्स दिया हुआ है, रियर ब्रेक दिया है, रिवर्स मोड है, फिर इग्निशन ऑन ऑफ एंड सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम दे आर इसका जो सेफ्टी फीचर्स है, एंड बेहतरीन इसका जो सीट का जो डिज़ाइन है, जो अट्रैक्टिव कलर है, इसमें जो मोर 5 कलर्स अवेलेबल है। इसमें तो सर मैं जानना चाहूंगा आपसे, जैसे इसमें आपने टायर यूज़ किए हैं उनका साइज़ क्या है। ओके, इसका टायर साइज 17 इंच का टायर हम यूज़ किया हुआ है, फ्रंट एंड रियर दोनों, एंड डिजिटल डिस्प्ले है, फिर जो टेल लैम्प LED लाइट्स है। ओके यस। और ये जो बाइक है, हाँ सर, चल एक बार चार्ज होने के बाद कितने किलोमीटर चलती है? इसका रेंज जो है 150 रेंज है। इसका जो टाइम चार्जिंग करने के लिए जो 3 to 4 hours लगेगा सर। फिर इसका रेंज टॉप स्पीड आएगा 85 to 90 टॉप स्पीड है सर इसका। और एक बार फुल चार्ज होने पर कितने किलोमीटर चलती है बाइक? इसका 150 रेंज है सर, एक टाइम फुल चार्ज किया तो 150 रेंज आ जाएगा सर। और कॉस्टिंग कितनी आती है एक बार चार्ज करने के बाद में? देखो सर, एज़ कम्पेयर टू द IC इंजन बाइक कैसे होता है सर, ये जो पेट्रोल हमारा जो मार्केट में चल रहा है 106 रुपीज़ अभी मार्केट में चल रहा है, फिर हमारा जो चार्जिंग करने के लिए 3 वाट आवर हमारा करंट कंजम्पशन होता है, उसके लिए जो मार्केट में जो अभी करंट का जो प्राइस हो रहा है अभी 6 रुपीज़ पर वाट जो चार्जिंग के लिए लग रहा है, हमारा 3 किलोवाट के लिए टोटल 20 to 30 रुपीज़ चार्जिंग के लिए लगे उतने ही, फिर हमारा जो पेट्रोल के लिए लगेगा 120 रुपीज़ ट्रैवल करने के लिए 120 रुपीज़ हमें एक्सपेंड करना चाहिए पेट्रोल इंजन में सर। एज़ कम्पेयर टू बाइक सेगमेंट वी आर गो टू विथ ईवी बाइक्स। किलोमीटर चलाने पर कितनी कॉस्टिंग आएगी वो बताइए आप। हाँ सर, एक किलोमीटर चलाने पर क्या कॉस्टिंग आएगी? हाँ, ये जो किलोमीटर एक बार 120 किलोमीटर रेंज चलने के लिए 3 यूनिट हमें करंट लगने वाला है। यस। और बाकी जो बाइक्स हैं उनके बारे में थोड़ा बताइए, क्या टॉप स्पीड है उनकी, क्या कॉन्फ़िगरेशन है उन बाइकों का? इसका है सर 17 इंच का जो टायर है हमारा, ये जो हमारा डेल्टा E5 का जो मॉडल है, मॉडल नाम, इसका जो टॉप स्पीड आएगा 85 to 90, इसका जो मोटर कैपेसिटी है 3 किलोवाट का मोटर है, फिर बैटरी कैपेसिटी है 72 वोल्ट 45 AH LFP बैटरी है, फिर बाद में इसका भी सेफ्टी फीचर्स देखा गया तो इसका जो एंटी सेंट्रल लॉक ब्रेकिंग सिस्टम है, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड मोड है एंड रिवर्स मोड है, क्रूज कंट्रोल सिस्टम है सर इसका। क्रूज कंट्रोल यस यस करेक्ट। तो इसमें वेरिएंट्स भी अलग अलग है जैसे? हाँ सर, इसमें वेरिएंट्स अलग अलग है, इसमें 72 वोल्ट 45 AH इसका भी सेम है। ओके। फिर इसका 72 वोल्ट 45 AH है, लेकिन इसमें अलग अलग वेरिएंट कलर्स है सर। और डिस्प्ले
और मैं उस साइड में देख एक पा रहा हूँ जिसका डेल्टा आर थ्री है उसके बाद ये जो हमारा डेल्टा आर थ्री मॉडल है ये इसमें जो हमारा टॉप स्पीड आएगा 85 to 90 किलोमीटर टॉप स्पीड है। इसका रेंज आएगा 150 किलोमीटर एंड बैटरी कैपेसिटी 72 वोल्ट 60 AH LFP बैटरी हम यूज़ कर रहे हैं। 3 kW बैटरी हमें यूज़ कर रहा है मोटर यूज़ कर रहा है। फिर इसका भी हमारा सेफ्टी फीचर्स देखा तो हमारा जो सेंट्रल लॉक ब्रेकिंग सिस्टम हम यूज़ कर रहा है। फिर रिवर्स गियर है हम रिवर्स गियर भी इसमें दे रहा है सर। हमें फर्स्ट सेकंड थर्ड मोड्स है रिवर्स मोड एंड पावर बटन। यस इसकी जो स्पीड की बात करें तो कितनी टॉप स्पीड जाती है? इसका टॉप स्पीड आएगा सर 85 to 90 किलोमीटर आ जाएगा सर। जैसा कि आपने 3 बाइक यहाँ पर लॉन्च की हुई है हाँ सर, वारंटी पीरियड क्या हो रहा है किस चीज़? सर इसका बैटरी का जो वारंटी आ जाएगा सर 3 ईयर्स का वारंटी हम दे रहे हैं सर। फिर मोटर के लिए 1 ईयर वारंटी हम दे रहे हैं। काफ़ी सारी बाइक्स होती है शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लग जाती है, उसकी सेफ्टी में क्या सर हमारा जो उसके लिए जो एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स हमारा व्हीकल पूरा सर्टिफाइड व्हीकल्स है, उसका जो हमारा आग लगने का चांसेस वगैरह हमारा व्हीकल्स में नहीं है सर। यस सर, ये वाली जो बाइक है इसकी कॉस्टिंग क्या पड़ने वाली है सर? इसका तो ऑन रोड प्राइस क्या पड़ने वाला बाइक का? सर इसका 180 तक पड़ने वाला है सर ऑन रोड प्राइस 180 तक। yes. एक बार इसके डिस्प्ले दिखाएंगे। यस इसका डिजिटल डिस्प्ले है सर जी। इसमें जो आएगा जो बैटरी का इंडिकेशन आ जाएगा आपका, फिर इधर आपका जो किलोमीटर डिस्प्ले हो जाएगा सर okay. इसका आपका इंडिकेशन आ जाएगा इधर पूरा बैटरी कितनी बैटरी चल चुकी है हमारी। ये जो अभी इंडिकेशन आपका इधर परसेंटेज में दिखाएगा आपको इधर 54% ये आपका जो डिस्चार्ज कैसे होता है ना इधर परसेंटेज में आपको जो इंडिकेशन दिखाएगा सर बैटरी का इंडिकेशन एंड ऑल टेल्टोल सिंबल्स भी इसमें अवेलेबल है सर। टेल्टोल सिंबल्स इन बाइकों के अलावा कुछ स्कूटीज भी हम देख पा रहे हैं उनके बारे में और थोड़ा बताइए किस तरह की स्कूटीज की रेंज आप लेकर आए हैं? सर ये जो हमारे है अल्फा R3 मॉडल है, इसमें जो हमारा जो टॉप स्पीड आएगा इसका भी 85 to 90 किलोमीटर जो टॉप स्पीड है। फिर इसका 3 kW का मोटर हम यूज़ किया है, इसमें जो 72 वोल्ट 30 AH का हम बैटरी यूज़ कर रहा है LFP बैटरी। फिर देन इसका भी आएगा जो डिजिटल डिस्प्ले आ जाएगा, सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम आ जाएगा, फर्स्ट एंड सेकेंड मोड थर्ड मोड ऑप्शन है, रिवर्स मोड ऑप्शन है एंड LED लाइट्स है। इसका रेंज आएगा 120 to 130 किलोमीटर रेंज आ जाएगा एक बार फुल चार्ज करने के बाद 120 to 130 किलोमीटर रेंज आ जाएगा सर इसका। यस 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 ओके सर, ये जो हमारा अल्फा K1 मॉडल है इसमें जो हमारा जो टॉप स्पीड आएगा इसका 85 to 90 किलोमीटर टॉप स्पीड है। ये जो हमारा सेंट्रल लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम है, फिर इसका जो डिजिटल डिस्प्ले है, फिर रिवर्स गियर है, फर्स्ट मोड सेकंड मोड थर्ड मोड ऑप्शन से LED लाइट्स है। ये डिजिटल डिस्प्ले है इसका? यस, ये जो डिजिटल डिस्प्ले है एंड ऑल इसका इंडिकेशन आ जाएगा सर आपको, टेल्टल सिंबल सब भी मिलेगा इसको, स्टैंड सेंसर आ जाएगा आपको, ये जो LED लाइट्स है, DRL लाइट्स है, LED लेफ्ट एंड राइट इंडिकेटर्स है। तो ये कितने एक बार फुल चार्ज करने पे कितने किलोमीटर रन करती है ये वाली? इसका अभी 120 to 130 किलोमीटर रेंज आपको मिलेगा सर। इसका भी 120 से 130 एक बार चार्ज किया तो 120 to 130 किलोमीटर। हाँ सर, ऑन रोड कॉस्टिंग क्या पड़ने वाली है? इसका भी 1.5 तक है सर रेंज। यस यस, सर ये जो 2 kW मोटर आ जाएगा सर, ये जो हमारा अल्फा R5 मॉडल है सर, इसमें जो हमारा जो मोटर का कैपेसिटी आएगा 2 kW मोटर आ जाएगा। फिर 72 वोल्ट 30 AH का जो LFP बैटरी हम यूज़ किया हुआ है। फिर इसका जो LED लाइट जो आया है, फिर डिजिटल डिस्प्ले ऑप्शन आ जाएगा, फिर जो सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम आ जाएगा, फिर रिवर्स मोड फर्स्ट एंड सेकेंड थर्ड मोड ऑप्शन है, जो ऑल सेफ्टी फीचर्स आल्सो इन देयर मॉडल्स। ये वाली स्कूटी सर, ये जो हमारा अल्फा R1 मॉडल है इसमें कैसे है, जो ये जो हमारा बेसिक मॉडल है इसका जो टॉप स्पीड आ जाएगा 65 to 70 किलोमीटर है। इसका जो बैटरी का कैपेसिटी जो आपको आ जाएगा 60 to 30 AH बैटरी हम यूज़ कर रहे हैं LFP बैटरी। इसका जो रेंज आ जाएगा 90 to 100।
हाँ सर, ये जो हमारा बेसिक मॉडल है। अभी आप सर कैसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्यूअर जो वीडियो देखेंगे कैसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर, वेबसाइट नंबर, कैसे रीच आउट कर सकते हैं? सर ऑलरेडी हमारा JHEV मोटर्स में वो जो इंस्टाग्राम न्यूज़ चैनल पे हमारा जो एडवर्टाइजमेंट वगैरह 3 मंथ 4 मंथ से हमारा एडवर्टाइजमेंट वगैरह पूरा चालू है। फिर हम जो मार्केटिंग पर्पस जो हमें मार्केटिंग पर्सन से हम आपको कॉन्टैक्ट कर देंगे। ओके सर, थैंक यू।